हमारे बीच में एक बहुत अच्छे स्पीकर ट्रेनर मिस्टर अरुण जी भी मौजूद है। अरुण सिंह जी आपका भी हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर अरुण सिंह जी पिछले 20-25 सालों से हमारे गौरव की बिहार दिल्ली एनसीआर रीजन बच्चों को यहाँ के टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। एग्जाम हो गया, जॉब हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सबको रिमूव करने के लिए ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उनको। इसके अलावा माइंड पावर को इम्प्रूव करने में भी इनका टेक्निकल ऑफिशियल अकाउंट्स सेल्स एंड मार्केटिंग ये मेन एरियाज है जहाँ पर ये बच्चों को फेस करवाते हैं। पार्कर सुजाता टर्नर है, एल आई सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनके जिनके साथ इनका टाइप है और बच्चों को ये वहाँ पर प्लेस करवाते हैं। तो मैं आज के कितनी अच्छे से कर रहे हैं।
So I want to ask, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, how many of you think that you will be selected for the interview today? How many of you, आप में से कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आज आपका सिलेक्शन हो जाएगा? That's great, really I appreciate it. ये बहुत अच्छा है, you know. Now I want to ask कि कितने बच्चों को मालूम है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं? सोचोगे क्यों? फ्रेंड्स, सक्सेस को डिफाइन करने के लिए तीन चीजें चाहिए हमें. पहली चीज है क्या हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, और दूसरी चीज है लाइफ में क्यों कर रहे हैं. आप अपने क्या और क्यों को ढूंढ लीजिए. कैसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, कैसे के पीछे ज्यादा परेशान होते हैं. Am I right? अगर हमें कोई काम शुरुआत करना है तो सबसे पहले सोचते हैं इसको कैसे करेंगे. फ्रेंड्स, काम आपको मिल गया, मुझे क्यों करना है ये मुझे डिसाइड करना होगा. आप वो डिसाइड कीजिए कि ये काम मुझे क्यों करना है, कैसे आपको मैनेज होगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी और The secret, रहस्य. कोई भी नहीं. इधर किधर? एक. Good. रहस्य मूवी. अंग्रेजी में secret बनाई गई है, उसका हिंदी वर्जन है रहस्य. इसकी निचोड़ समरी में बता देता हूं. आप जो सोचेंगे वो होगा. आपको सोचने से मना कौन कर रहा है? Who is stopping you to think? आपने कभी लाइफ में ऐसा देखा है कि आपने कुछ सोचा है वो हो गया? Anyone? Yes, sir. जब एक बार हुआ तो दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा, चौथी बार भी होगा और सौवीं बार भी होगा. Start thinking. Thinking is the first seed. ये हमारे सक्सेस का पहला सीड है. एंड रहस्य जो मूवी है, जो सीक्रेट मूवी है, इसी पे बनाई गई है. थॉट बिकम्स थिंग्स. जो हमारी विचार होती है वो वस्तु बनता है. पहले आइडिया यहां आना चाहिए. आपने ये स्लोगन सुना है, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. डू यू बिलीव? Yes, I was in job. मुझे एक आइडिया आया, this is my passion. And it changed my life. मैं पूरे इंडिया के, आप कह सकते हैं 10 से 12 स्टेट में मैं घूम के लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ. स्कूल में, कॉलेजेस में जाता हूँ. And I deliver speech. मैं फुल फ्लेज ट्रेनिंग करता हूँ. It is here in front of you, I'll be talking only 1 hour. एक घंटे मैं आपसे बात करूंगा. But I work on the students. उनको सक्सेस इंस्टॉल करता हूं. I install success in their mind. जैसे इंस्टॉलेशन आप देखते हैं ना टीवी वाले टीवी को इंस्टॉल करके जाते हैं, माइक को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से सक्सेस इंस्टॉल होता है. How many of you think it can be solved? Mind के बारे में कुछ आइडिया है? What is mind? Mind is a giant computer. It's a giant computer. कितने लोगों को कंप्यूटर आता चला? Quite a good number. Quite a good number. Next question. कितने लोगों को अपना माइंड चलाना आता है? मुझे आता है. Yes.
कंप्यूटर है बट इट इज अ जायंट कंप्यूटर. यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों को वो अपने कंप्यूटर के साथ है, इतनी कैपेसिटी है. लेकिन इस मशीन को गॉड ने हमें फ्री में दिया. ये जो हमारा जायंट कंप्यूटर है इसको गॉड ने फ्री में दे दिया, इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं था. गॉड ने जिस चीज को यहां इस यूनिवर्स में बनाया है एवरीथिंग इज फॉर आवर डिस्पोजल, ये हमारे लिए बनाया गया है. वो क्यों ना मर्सिडीज कार हो, बीएमडब्ल्यू हो, लेकिन हम सोच नहीं सकते हैं क्यों. अरे मेरे घर में तो साइकिल नहीं है, मैं बीएमडब्ल्यू की बात कैसे कर सकता हूं. तो क्या धीरू भाई अंबानी अपनी रिलायंस कंपनी लेके आए थे, टाटा अपना टाटा सन्स लेके आए थे, अजीम प्रेम जी अपना विप्रो लेके आए थे, क्या आपको लगता है वो ऊपर से लेके आए थे. सभी लोग जब आते हैं जीरो, जब जाते हैं तब भी जीरो. एवरीथिंग इज रेंटेड हियर. मैं जो कपड़ा पहना हूं, मैं जो गाड़ी यूज कर रहा हूं, कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रेंटेड हियर. लेकिन रेंट पे हम कुछ भी मांग सकते हैं, हम रेंट पे गॉड से कुछ भी मांग सकते हैं. जस्ट हिम्मत पैदा कीजिए, वो हिम्मत पैदा कीजिए कि मैं यूनिवर्स से मांगू. अब इसके लिए एक इंग्रेडिएंट चाहिए, वो सबके पास है लेकिन पता नहीं है कि मेरे पास है. वो क्या हो सकता है, रैंडम गेस. वो इंग्रेडिएंट क्या है, वो सबके पास है लेकिन ये मुझे पता नहीं कि मेरे पास है कि नहीं है. व्हाट इज दैट, दैट इज आवर बिलीफ, हमारा विश्वास. हमें विश्वास नहीं है कि वो मिलेगा हमें. एंड टुडे यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इट विल बी योर्स. यहां बैठे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, द पर्सन मे बी स्पोर्ट्समैन. आप इतने बड़े एक्टिव हो सकते हैं कि सारे उसमें एकोमोडेटेड हो जाएंगे, बट ही डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज़ ही डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ. आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है. आप भरोसा करना शुरू कीजिए, सक्सेस विल बी योर्स. फ्रेंड्स, अभी देखा गया है कि हम जनरली क्या करते हैं. हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं. आप जिंदगी में पहले कोई ऐसे हैं जो पहले जॉब कर चुके हैं, पार्ट टाइम कुछ लोग कर चुके हैं. बिकॉज क्या होता है, हम लोग कई पास करने के बाद, ट्वेल्थ पास करने के बाद छोटे छोटे जॉब करते हैं, बट मोस्टली एवरीबॉडी इज फ्रेशर. बट हम पहली जॉब में जाते हैं एंड वी आस्क फॉर 25,000 से कम मिलेगा, I would join. Friends, मैं बताना चाहता हूं हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने पैशन के पीछे भागना चाहिए. मेरा पैशन क्या है, हमारा पैशन क्या है, न कि पैसा. तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कैरियर की शुरुआत करने वाले हैं, आप पैसे के पीछे मत भागिएगा, अपने पैशन के पीछे भागिएगा. आपको जो पसंद है उसी फील्ड को चुनिएगा. इफ यू लव मार्केटिंग, गो फॉर मार्केटिंग. इफ यू लव सेल्स, गो फॉर सेल्स. इफ यू लव कंप्यूटर, गो फॉर कंप्यूटर. इफ यू लव टीचिंग, गो फॉर टीचिंग. कितने को अपना कैलिबर मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं, कितने को ये मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं. आपके लिए क्वेश्चन है, हम में से कितने लोगों को मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं. हेलो,
am I audible? Last page. Last page. Am I audible? पीछे आवाज मेरी पूछ रही है. तो क्या हमें पता है हम क्या कर सकते हैं? We change the world. We can change the world. We can improve the. हमें पता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है. या हमने जानने का प्रयास नहीं किया. अच्छा, कितने लोगों को आज सुबह पता था कि आज हमारा जॉब इंटरव्यू है, जॉब पे लगने वाला है और उसमें हम जाएंगे? इसमें भी किसी लोग को वाओ, इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग. करीब 10-20% लोगों को पता नहीं था कि आज जॉब पे है. यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें फर्स्ट ईयर के भी कुछ बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के भी बच्चे हैं. यस, आई डू एग्री. फ्रेंड्स, जब हम घर से निकलते हैं, हमें पता होता कि हम कहां पहुंचने वाले हैं. हम तो जिंदगी के रेस में चले हैं. हमें पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां है, हम कहां जा रहे हैं. ये पता होना जरूरत है. इसकी जरूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं. आपको ये तो जरूर पता होगा कि हम जॉब क्यों करते हैं. क्यों करते हैं? पैसे के लिए. Am I right? फिर पैसा आया. मैंने क्या बोला? There should be पैसे. हम पैसे के लिए नहीं जॉब करते हैं. Frankly speaking, हम पैसे के लिए जॉब नहीं करते हैं. हम अपनी फैमिली के हैप्पीनेस के लिए करते हैं. हम सोसाइटी को बेटर करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं. आपका मिशन जो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. आपका सोचने का नजरिया बड़ा होना चाहिए. यहाँ जितने लोग भी जॉब करने आते हैं या पढ़ने आप आए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है. यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर. लेकिन हमें बचपन से शिक्षा दी जाती है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा. राइट? तो थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी. हम बड़े होंगे और अपने पर्पस को ढूंढेंगे. लाइफ का पर्पस होना जरूरत, इसकी डिमांड है. ये पर्पसफुल लाइफ होना चाहिए. गॉड ने सभी को यहां भेजा है फॉर अ पर्पस. हमारा एक यूनिक पर्पस है यहां. एवरीवन इज यूनिक. जो क्लास में बच्चा तेज है या कमजोर है या उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डजंट मैटर. वो कहीं ना कहीं ताकतवर है. आज आपका जॉब इंटरव्यू होने वाला है. कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का इंटरव्यू होगा. What does it mean? क्या आपको लगता है आप लाइफ के लिए हार गए? No, no way. आपको ये जॉब नहीं मिला है. You have to see the happiness here, pleasure here. मुझे ये नहीं मिला है, इससे बड़ा जॉब ऑफर मुझे होने वाला है. अमिताभ बच्चन के बारे में कितने लोग जानते हैं? अमिताभ बच्चन, सभी लोग. थोड़ी सी उनकी इच्छा, उनकी लाइफ के फेलियर को मैं बताता हूँ. When we wait for first interview, आकाशवाणी के लिए उनको रिजेक्ट किया गया था. एनी आइडिया? आवाज के लिए, आपकी आवाज अच्छी नहीं है. आज उनकी आवाज की कदर होती है. क्या मेरी आवाज पहुंच सकती है? बिल्कुल.
टाइम पे कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं इसमें जूम नहीं होता लाइव बहुत जल्दी वापस आ गए जैसा जनरली टीवी में सुनते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद लेकिन ब्रेक बहुत छोटा हुआ सो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था अमिताभ बच्चन की और अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया गया था आवाज के लिए और आज उनकी आवाज बिकती वो फिल्म में आई एन आई अपनी आवाज की चार्ज करते हैं और ह्यूज अमाउंट देयर प्लीज चार्ज फ्रेंड्स अगर आप भी चाह जाइएगा अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड वीकनेस वीकनेस कभी भी स्ट्रेंथ हो सकता है इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल 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 की स्पेलिंग क्या है यस इम्पॉसिबल वो होता है आई एम पॉसिबल So there is nothing called impossible. Think maybe difficult. Difficult ho sakta hai, lekin impossible ho sakta hai. Aap yahan jitne bachche hain, maine bahut se colleges mein dekha, arts ke jo bachche hote hain na, kamzor wale bachche arts mein jaate hain. Aur jo sabse tez bachche hote hain, kahan jaate hain? It's a myth. आज के बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं सिर्फ आप सोचने से डर रहे हैं आप एक डिसीजन लीजिए मैसिव डिसीजन आज आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप डिसीजन लें लेकिन ये हमारे एजुकेशन सिस्टम है कि आपने अगर आर्ट्स किया है ग्रेजुएशन में तो आप साइंस इजी नहीं ले सकते लेकिन पीजी वाले जिन्होंने एमएससी कर बीएससी कर लिया है वो एमए कर सकते हैं दिस इज द अगेन लेकिन मौका उन्हें भी मिलना चाहिए आर्ट्स वाले को भी साइंस में जाने का मौका मिलना चाहिए दे कैन प्रूव देयर वर्थ मैं साइंस पढ़ने के बाद फिर से आर्ट कर रहा हूं This is psychology. We are studying psychology. Science psychology के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो science पढ़ाई करने के बाद फिर arts क्यों पढ़ रहा हूँ? अच्छा कभी पढ़ रहा हूँ? So friends, सभी का importance है। हर subject का वही importance है। तो हमें life में हर चीजों को ये सोचना है कि दिस इज पॉसिबल हम कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मन को कंट्रोल करिए माइंड को कंट्रोल कीजिए कितने लोगों को ये पता है कि मैं आई कैन कंट्रोल माय माइंड कितने को पता है ओनली फ्यू नंबर्स यस माइंड को कंट्रोल करना ही सक्सेस है और अगर आप साथ बैठे हैं आप लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन आपका माइंड बाहर ही घूम रहा है एम आई राइट दिस इज इशू विद एवरीवन नॉट विद यू ओनली ये टीचर्स के साथ भी हो रहा होगा हमारे साथ भी होता है एज आई एम इन्वॉल्व इन लेक्चर दैट्स व्हाई माय माइंड इज नॉट मूविंग आउटसाइड लेकिन जब भी हम बैठते हैं हमारा माइंड बाहर घूमना शुरू कर देता है दिस इज अ सिचुएशन कॉल्ड मंकी माइंड हाउ मेनी ऑफ यू नो मंकी माइंड ये हमारा जो माइंड है 15 सेकेंड के बाद
घूमना शुरू कर देता है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, एक आइडिया पर ये रुकेगा नहीं, rather it keeps on moving, it keeps on moving. और इस मंकी माइंड का एक मात्र इलाज है, मंकी माइंड का एक इलाज है, आपको जानना है क्या है? यस, कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक और दूसरा इलाज, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे भी है, यस मेडिटेशन, मेडिटेशन, यू नीड टू मेडिटेट. और कितना मिनट? कितना? 3 minutes minimum, minimum 3 minutes meditation every day, and you can control your monkey mind. ये जो मंकी माइंड इधर से इधर घूमता है, आप उसको रोक सकते हैं. लेकिन अगर मैं बोलता कि ये मेडिसिन पानीपत उस मेडिसिन शॉप में मिल रहा है एंड कॉस्ट इज 100 rupees पर टैबलेट, सभी लोग बोलते चलो वो ना टैबलेट लेके आते, 10 दिन तक खाएंगे, 1000 रुपया लगेगा. लेकिन मैं बोलूंगा 3 मिनट डेली मेडिटेशन कर रहा है सर, यही तो नहीं हो पा. कितने लोगों को लगता है 3 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं? 10-20% को लगता है. यस, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको छोटी जीत जीतनी होगी, स्मॉल विंस. और ये स्मॉल विंस है, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग. और मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है. जस्ट सिट रिलैक्स, आप 3 मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आप दिमाग को शांत कर लीजिए. 3 मिनट के बाद आपको धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, 30 मिनट तक आप पहुंच सकते हैं. पहले के ऋषि मुनि को देखते होंगे, they were able to meditate for whole day. कुछ ऋषि मुनि सालों भर मेडिटेशन में रह जाते थे, ध्यान में रह जाते थे. They were had to so control. अगर आप लाइफ में मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, आपको हर चीज में मजा आना शुरू हो जाएगा. आप बोलेंगे ये तो सक्सेस की बात कर रहे थे, मेडिटेशन की बात, इट इज इंटर रिलेटेड. हम अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करना है और उसका कोई दवा नहीं बना है, इसका दवा गॉड ने हमारे साथ दे दिया है थ्रू मेडिटेशन. हमें मेडिटेशन करना है. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल इन लाइफ. व्हाट इज अनस्टॉपेबल, व्हाट डज मीन, इसका मतलब क्या होता है? Unstoppable means what? बिना रुके हुए आपको कोई नहीं रोक सके, आपको कोई नहीं रोक सके. You need to control your mind. आपको अपने mind को control करना होगा. जब आप mind को control कर लेंगे, you will be unstoppable. आपको छोटी छोटी चीज जीतनी होगी. और छोटी जीत डेली आप जीत सकते हैं. आप अपने आप को छोटे छोटे काम से चैलेंज कीजिए. यू टू चैलेंज योर सेल्फ, क्या आप अपने अपने आप को चैलेंज करते हैं? कैसे? एक दिन मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, एक चैलेंज दे दीजिए. एक दिन आपने कंट्रोल कर लिया, एक वीक नहीं करूंगा, एक वीक हो गया, एक मंथ नहीं करूंगा, और एक मंथ हो गया, एक साल नहीं करूंगा. Then what will happen? आप एक दिन रोक सकते हैं तो आप एक वीक भी रोक सकते हैं. How many of you think that आप सोशल मीडिया का यूज एक दिन जरूर रोक सकते हैं? 100% 24 hours is fine.
लोग तो नहीं है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, यूज करने वाले जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, दे कैन थिंक दैट दे कैन स्टॉप मंडे ऑफ सोशल मीडिया। आप स्टार्ट कीजिए कल से, कैसे करना है, यू वांट टू नो हाउ टू डू। हेलो, आपको लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल? कितने को लगता है इम्पॉसिबल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन ये आपकी छोटी जीत होगी अगर आपने एक दिन कंट्रोल कर लिया। इट इज स्मॉल विन फॉर यू, और लाइफ में सक्सेसफुल होना है आपको छोटे छोटे जीत को जमा करना होगा। एक जीत, दूसरी जीत, तीसरी जीत, चौथी जीत, पांचवी जीत, छठी, अगर ऐसी होगा एक माला के रूप में, इट विल बी योर्स। सक्सेस बीट के रूप में आपके पास आएगा। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव जर्नी, एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ऐसा नहीं है कि इस एक घंटे के लेक्चर के बाद सर सक्सेस तो आया ही नहीं। अरे दिल्ली वाले बेवकूफ बना के, दिल्ली से सर आए थे, अपने सर आए थे, वो बेवकूफ बना के चले गए सक्सेस आ जाएगा। यस, मैं सीड डाल के जाना चाहता हूं। सिर्फ आप सीड जो है आपके पास है, एंड दैट सीड इज इन योर थॉट प्रोसेस। ये जो हमारा माइंड है, दिस इज लाइक अ लैंड, ये जमीन है, उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड। इसमें आप जैसा सीड डालेंगे वैसा पेड़ रहेगा। आप पेड़ किस चीज की डालना चाहते हैं? सक्सेस और जस्ट रिवर्स ऑफ सक्सेस इज सक्सेस। रिवर्स सक्सेस तो रिवर्स भी सक्सेस है। कितने लोग ऐसी करते सक्सेस का उल्टा भी सक्सेस ही है। देयर इज नो फेलियर इन लाइफ, देयर इज ओनली फीडबैक, देयर इज ओनली लर्निंग। वी आर लर्निंग एवरी टाइम। और जब फेल करते हैं उस बहुत सीखते हैं। आप जो बल्ब देख रहे हैं, इसको इन्वेंट किसने किया था? Thomas Alva Edison, and how many times he failed? 100, 200. 10,000, 10,000 बार, 1,000 नहीं, 10,000 बार। वो 10,000 बार फेल करके वो बल्ब बना के गए। तो हम एक बार फेल होने से क्यों डरते हैं? आप फेल होइए, आप गिरिए, तभी उतना सीखिएगा। ये बात सच है। Yes, फेल होने से मतलब मैं एग्जाम में फेल होने नहीं कह रहा हूं। लाइफ में फेल होके आप प्रयास तो कीजिए। फेल कौन नहीं होता है? जो व्यक्ति ट्राई नहीं करता है, जो ट्राई नहीं करते हैं वही फेल होते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बहुत बार फेल कर चुका हूं एग्जाम में, लेकिन लाइफ के एग्जाम में फेल हुआ हो, लेकिन वहां से सीखा हो, सीख के आगे बढ़ गया। फेलियर हम सीखते हैं। लर्निंग का कोई एज नहीं होता है। 80 साल का आदमी भी सीख सकता है, 100 साल का आदमी भी सीख सकता है। यस, वी आर बैक। कितने लोगों को स्टोरी बहुत अच्छा लगता है? सबको। कैसी स्टोरी? दादी माँ के किस्से। तो मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूं, बट वो दादी माँ के किस्से नहीं है।
साल के पीछे जिस तरह से आज आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार है उसी तरह से एक व्यक्ति एक इंटरव्यू के लिए आया इंटरव्यू रूम में बैठे हुए थे इंटरव्यूअर रूम में एंड सभी लोग एक एक करके क्वेश्चन से पूछते गए ही वाज आंसरिंग वो आंसर देता गया मतलब लिटरली कह सकते हैं कि इंटरव्यू में बोर्ड के लोग परेशान हो गए इसे पूछा क्या He was like a Google boy, Google person, Google man. तब जो इंडस्ट्री का मेन ऑनर था जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू हो रहा था उससे पूछा गया सर तो हाई इंटेलिजेंट है इस आदमी को कितनी सैलरी हम दे सकते उसने कहा 2000 बोलता सर 2000 पर मंथ बहुत कम है सर नहीं यू आर मिस्टेकिंग 2000 साल के देख दे मैं सॉफ्ट इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं सॉफ्ट है बोलता है इस पर्सन जो मुझे सुना रहा है एक इंसाइक्लोपीडिया में 2000 के इंसाइक्लोपीडिया में मुझे सब कुछ मिल जाएगा मुझे अपनी कंपनी के लिए लीडर चाहिए एक स्ट्रेटजी से चाहिए जो स्ट्रेटजी बना सके जो प्लान बना सके जो डिसीजन ले सके मुझे एक रॉड नहीं चाहिए फ्रेंड्स आपने जो पढ़ाई की है अगर रट्टा मार के पढ़ाई की है तो इंडस्ट्री में दिस इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर यू रट्टा मारने का कोई स्कोप नहीं है आपको लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ेंगे बी रेडी इसलिए मैंने स्टोरी सुनाया मैंने इसलिए कह दिया दिस इज नॉट तालिमा के किस्से ये लाइफ के किस्से है हम लोग 10 पास कर लेते हैं रट्टा मार के 12 पास कर लेते हैं रट्टा मार के ग्रेजुएशन भी कर लेंगे लेकिन लाइफ में रट्टा मार के नहीं जाते लाइफ में आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा इवन आप फैमिली लाइफ में भी आइएगा तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड वो कहां से आएगा वो आएगा क्रिएटिविटी से यू नीड टू बी थिंकिंग आपको थिंक करना पड़ेगा यू नीड टू थिंक जो मशीन भगवान ने दिया था उस मशीन का आप थोड़ा सा यूज बढ़ाएंगे हम कितना परसेंट अपने ब्रेन पे यूज करते हैं मोस्ट On an average, कितना? 1% or less than 1%. We are not using that 1% even. आप ऐसे समझ लीजिए, अभी तक का जो सबसे ज़्यादा अगर mind को use किया तो Albert Einstein. And that is around 10%. 10% use करके इतने बड़े scientist बन गए. आप सिर्फ 4% 5% तक पहुंचे यू विल बी हाईली सक्सेसफुल पर्सन और ब्रेन को जो माइंड है आप बोलते होंगे बचपन से मेरा जो माइंड मिला था बहुत कमजोर वाला माइंड फ्रेंड्स बीइंग अ माइंड पावर ट्रेनर आई वांट टू टेल यू जो आपके पास माइंड है सेम माइंड आई हैव सेम माइंड आपके टीचर्स प्रोफेसर्स जो है सभी के पास एक ही माइंड है एक तरह का माइंड है बस किसने अपने माइंड का ज्यादा यूज किया हमने उसकी सर्विस ज्यादा ली तो आपको अपने माइंड को कमांड देना है यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग कमांड सो जग जा अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को जगाना होगा सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन सुने हैं चेतन मन एंड अवचेतन अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इस चेतन मन अवचेतन मन सोया हुआ लेकिन सब सुन रहा है आप आज यहां से जो कैरी करके लेके जाएंगे जो आपको कल याद रहेगा वो अवचेतन मन में रह गया
तो आप एक चीज जरूर कैरी करके ले जाएंगे, मेरा इमेज फोटो यहां से, वो जरूर, क्योंकि पिक्चर्स बहुत हमारा आईज जो है, हमारा सेंस ऑफ जो है, ये उसके टूल्स है जो आंखों से देख रहे हैं, वो फोटो खींच के लेके जाता है। लेकिन जो कान से सुन रहे हैं ये भी हमारा सुनता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी कम है। आप जो देख रहे हैं, इसलिए जो हम लोग टीवी पे देखते हैं वो ज्यादा दिन तक हमको याद रहता है, लेकिन रेडियो में सुनते हैं वो हमें कम दिनों तक रहता है। लेकिन आपको परमानेंट कोई चीज चाहिए, उसकी भी अलग एनेस्थेटिक होना चाहिए, फीलिंग, जहां फीलिंग जनरेट हो गई आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने क्यू पे काम करें, बिकॉज क्यू आपको कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग जनरेट कराएगा, स्किन पिलाएगा। हम टेस्ट और स्मेल की बात नहीं करते, लेकिन जहां पांचों सेंस ऑर्गन मिल जाए, इट विल बी अमेजिंग पावर। सो यू हैव टू यूज दिस सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन आपका जो तीन सेंस ऑर्गन है, तीन सेंस ऑर्गन, फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आईज, ears and skin। हम लोग अपनी भाषा में VAK बोलते हैं, V for visual, A for auditory, and K for kinesthetic। बस तीन को जागृत कर लीजिए, you will be unstoppable। तीन को जागृत कर लीजिए, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन किन्हीं को लगता है कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ना कि एजुकेशन में, वहां जो लिखा हुआ है ये आपके लिए बनाया गया था, ये दिस इज फॉर सो एंड सो टाइम, इट विल बी वेरी टफ, कोई याद नहीं कर सकता है क्या, इसको समझ नहीं सकता है। पढ़ाने वाले क्लास में एक ही लेक्चरर होते हैं, एक ही प्रोफेसर होते हैं, लेकिन 10 बच्चे को समझ में आता है, 40 को नहीं समझ में आता है, या 40 उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज उन्होंने बिलीफ सिस्टम को बना रखा है, अपने सामने सील रखा है कि मैं ये काम मेरे से नहीं हो सकता है। उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। अगर कोई बिलीफ सिस्टम हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उसे तोड़ना पड़ेगा। एंड दिस बिलीफ सिस्टम, मैंने स्टार्ट किया था टॉक, आवर माइंड इज Use computer, और ये हमारा belief system, ये हमारा hardware है। This is the hardware of our mind। ये हमारे mind का hardware है। आपको hardware को अपना upgrade करना पड़ेगा। Please, you need to upgrade your hardware। आपको अपने belief system को तोड़ने पड़ेंगे। जो पुराने belief system है, उसको तोड़ने पड़ेंगे, उसको छोड़ने पड़ेंगे। And जब हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेंगे। सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर क्या है। मैं आगे बैठे हुए टीचर्स को भी देख रहा हूं कि दे आर लिसनिंग, कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बात, यस, हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे हैबिट्स, हमारे एक्टिविटीज, जो हमारे डेली एक्टिविटीज है, दीज आर सॉफ्टवेयर, ये हमारे हार्डवेयर को रन कर रहे हैं। तो आपने हार्डवेयर पुराना रखा है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, तब भी कंपेटेबिलिटी नहीं रहेगा। या आपने बिलीफ सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग कर लिया लेकिन काम वही कर रहे हैं, हैबिट 10 साल पुरानी बात, अरे मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं, मैं 11 से पहले उठूंगा ही नहीं। जब बड़े नहीं उठ सकते तो मैं क्यों, आपको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने एक्टिविटीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर, हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। हम जो भी करते हैं, आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज में हर क्लास में ऑन एन एवरेज 40 से 50 बच्चे होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है, ऐसा नहीं है कि आईक्यू
उसका आईक्यू, एक बच्चे का आईक्यू बहुत हाई है, दूसरे बच्चे का आईक्यू हाई नहीं है, उनकी हैबिट में परिवर्तन है, हैबिट डिफरेंट है। आप हैबिट को चेंज कर दीजिए एंड एनी हैबिट कैन बी लर्न्ड। कोई भी हैबिट हम सीख सकते हैं, कोई भी, एनी हैबिट, एनी एक्टिविटी। मैं स्विमिंग नहीं जानता हूं, मैं आज डिसाइड करूं स्विमिंग सीख सकता हूं। तो हैबिट कोई भी सीखा जा सकता है। हैबिट को सीखने के लिए, एक हैबिट को बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? एक हैबिट या बिलीफ सिस्टम, दोनों चीज को चेंज हम कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत स्टूडेंट्स का बिलीफ सिस्टम चेंज कर चुका हूं। बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें 11 दिन चाहिए, 11 दिन से लेके 21 दिन, और हैबिट को चेंज करने के लिए 11 दिन चाहिए या 11 बार चाहिए। आप 11 बार उस हैबिट को कर लीजिए, वो इट विल बी परमानेंट। लेकिन आप चाहते हैं कि ये हैबिट मुझे छोड़ के कभी मत जाए, 66 डेज तक आप 66 दिन, it is resolved, 66 days में वो habit आपका हो जाएगा, permanent, it, you will be in auto mode। Driving कितने लोगों को आती है? Driving, पहली बार आपने जब driving किया होगा, तो आप डरते होंगे कि एक नंबर कहाँ है, दो नंबर कहाँ है, तीन नंबर कहाँ है, और आज गाड़ी चलाते हैं, फोन इधर, दोस्त से भी इधर बात कर रहे हैं, और driving हो रही है, क्या हो गया? This has become your habit, कि आपका habit बन चुका है। तो उसी तरह से हमें success की habit डालनी होगी। And habit एक दिन में नहीं बनेगा। Take the decision today, आज आपको decision लेना पड़ेगा कि I will be learning something new। तो मैंने जाने अनजाने में आपको एक चीज सिखा दिया, वो है मेडिटेशन, 3 मिनट का मेडिटेशन के लिए। और दूसरी चीज मैं जो बताने जा रहा हूं, इट इज वेरी इजी बट डिफिकल्ट फॉर सम पर्सन। वो क्या है? वो क्या है? कितने लोग सुबह 5 बजे उठते हैं? कुछ लोग। अगर सुबह में 5 बजे आप उठना शुरू कर दीजिए, आपने एक हैबिट बना लिया। लेकिन उठते हैं तो क्या होता है? आपको पेट भूलता है, थोड़ी देर और सो। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता, बोलते होंगे समय ही नहीं है पढ़ने का, सुबह सुबह तो उठते हैं, तैयार होकर कॉलेज जाना पड़ता है, मॉर्निंग कॉलेज है या आफ्टरनून? मॉर्निंग। कितने बजे आ जाते हैं? 9 o'clock। 8 बजे, 9 बजे। तो आप देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं, आप 5 बजे उठ जाइए, आप सुनिए, 5 बजे उठिए और 8 बजे तक Self-study in the sense, you do morning activity and उसके बाद कॉलेज के बाद अब बात पढ़िए, तब भी आप सक्सेसफुल होंगे। ताड़ी तो बजाए। लेकिन आपको पेट से विजय प्राप्त करनी होगी। वो पेट से जो लगाव लगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? Yes, कुछ लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि अगर सक्सेसफुल होना है, आप पेट से प्यार बंद कर दीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर सक्सेसफुल होना है, अपने आप से प्यार करना होगा। अच्छा, अब मुझे लगता है सब थोड़ा थक चुके हैं। कितने लोग थक गए? कितने लोग थक गए हैं? क्या आप हमारे साथ 5 मिनट का
एक्सरसाइज करना चाहते हैं, दैट एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एनी टाइम। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, यू हैव टू गिव 5 मिनट्स टाइम। 5 मिनट में आप अपने कॉन्फिडेंस को चुटकी में बढ़ा सकते हैं, चुटकी में। आपको लगता है ऐसा कि मैं कॉन्फिडेंस को 5 मिनट में बढ़ा सकता हूं? और इतने मास लेवल पे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा। If you want to increase your confidence, please do stand up. खड़ा होने के लिए बोला है, आवाज करने के लिए नहीं। Friends, are you ready? बंद हो जाने के तब मेरी आवाज सुनाई देगी। Just follow what I am saying. आपको जो मैं बोल रहा हूँ बस आप सुनते रहिए, करते रहिए। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड। यह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कितने मार्क्स को भी कर रहा हूँ। It will be. So close your eyes. कंधे को फॉर्म करें और रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। रीढ़ की हड्डी आपका जो बैक स्पाइन है उसको सीधा करें। टेक डीप एंड नाइस ब्रेथ 3 times। आप गहरी सांस लें, सांसों को धीरे धीरे छोड़े। जो कर सकते हैं ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं डोंट डिस्टर्ब अदर्स। गहरी सांस लें, सांसों को धीरे धीरे छोड़े। नाउ इमेजिन करें कि आपके पैरों के चारों तरफ एक सुंदर सा सर्कल है। मेक अ ब्यूटीफुल सर्कल। इसमें अपना फेवरेट कलर को ऐड करें। ऐड योर फेवरेट कलर टू दिस सर्कल। फ्रेंड्स जो करना चाहते हैं वो करें, पर दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। इसमें फेवरेट कलर को ऐड करें एंड यू सी दैट यू आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली एट द सेंटर। इस सर्कल के सेंटर पे खड़े हैं। नाउ ऐड ऑल योर क्वालिटीज। आप में जो 3 जो क्वालिटीज है इसमें इस सर्कल में ऐड करें। You are intelligent student, you are hard working. आपको जो भी अच्छाई, आपके जितनी भी अच्छाइयां हैं, आप इस अच्छाइयों को इस सर्कल में ऐड करना शुरू करें। Now you are going to invite 4 person, एक अपने फैमिली से जिनको बहुत प्यार करते हैं। फैमिली से एक व्यक्ति को बुलाना है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, वो सर्कल के चारों तरफ बैठेंगे और उनके लिए आपने 4 बहुत बेहतरीन क्वालिटी का चेयर अरेंज किया है। यू अरेंज 4 हाई क्वालिटी चेयर। और फैमिली से पहले व्यक्ति को आप इनवाइट कीजिए जिनको बहुत प्यार करते हैं। इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर मदर, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन। दूसरे चेयर पे आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से जिसको बहुत प्यार करते हैं उनको बुलाइए। तीसरे चेयर पे बैठने के लिए आप अपने टीचर्स या मेंटर्स किसी को भी बुलाइए जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। चौथा जो चेयर है, This is for your model, जिसके तरह का आप लाइफ चाहते हैं जिंदगी में। Now you see that सभी चारों आ चुके हैं व्यक्ति।
extending love and affection. आप देखिए कि वो आपको love and affection भेज रहे हैं. They are sending you love and affection. And ये love and affection चारों तरफ से आ रहा, पूरा circle pink energy से भर चुका है, love and affection से भर चुका है. आप देखिए कि ये पूरे शरीर में इंटरप्रेट जा रहा है. ये आपका जो love and affection जो लोग के द्वारा मिल रहा है, it is increasing. इसका level आपके शरीर में increase करता जा रहा है, increase करता जा रहा है. And आपके शरीर पे इंटरप्रेट भी ये और शरीर से बाहर inverse में space में ये जा रहा है. And it reaches the moon, एकदम sky में जा चुका है. It's like a beam coming from the star. ये beam की energy तो beam की तरह हो चुका है और आप उसमें स्वयं प्रकाश से घिरे हुए हैं. ये पूरा और आप ऊपर से देखिए, God is standing. God is there and He is showing flowers. आपके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है. Your ancestors are there. They are also showing petals over there. आपके petals फूलों की बारिश हो रही है. They are praising you. And you are feeling at the top of the world. And आप ये सोचिए कि सारे जो चार lovable person थे, they are standing. वो खड़े हो चुके हैं. And they all are clapping for you. And they are saying, you are the best. You are the best. You are the best. You are the winner. You are the winner. You are the winner. You are the winner. जो आकाश में जितने बर्ड्स थे वो भी आपके लिए गाना गा रहे हैं. They are singing a song and they are singing in their own voice and they are saying, you are the winner. You are the winner. You are the winner. You are the best. You are the best. You are the best. You are the best. And keep listening this echo in your mind. आप इसको अपने mind में इस echo को सुनते रहिए, इस echo को सुनते रहिए. And keep enjoying this moment. Keep enjoying. Keep enjoying. Keep enjoying. Keep enjoying. Keep enjoying. Keep enjoying. Slowly open your eyes, cup your hands, and put it on your eyes. Yes, please have a seat. कैसा लगा इसको? मैंने एक्चुअली ये 15 मिनट का एक्सरसाइज है, मैंने इसको शॉर्ट किया 4 से 5 मिनट का. ये 15 मिनट एक्सरसाइज है, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है. क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट है, आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट का किया. एंड इट इज गोइंग टू गिव यू अ टॉनिक फॉर द इंटरव्यू. इट इज गोइंग टू गिव यू अ टॉनिक फॉर द इंटरव्यू. सो now I want to conclude this talk. इससे अगर मैं बात करूँ तो पूरी दिन मैं उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम के कॉन्स्टेंट को आपका पर्पस आज कुछ और है. टुडे योर पर्पस इज टू गेट जॉब, जॉब इंटरव्यू के लिए बैठना है. तो आपको लगता हो कि सर मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं? जस्ट आई एम इंस्पायरिंग यू. मैं आपको एक मैं कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ. साइंस की जो साइंस के जो स्टूडेंट होंगे दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटलिस्ट. सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ कि आप इंस्पायर हो जाए टू गेट अ जॉब. आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जाए कि आई एम गोइंग टू विन, मैं जीतने जा रहा हूं. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई कंक्लूड, just summarizing few of the points. Successful होने के लिए
हमें एक मात्र चीज करना होगा, we need to control our mind. हमें माइंड को कंट्रोल करना होगा and start thinking. Think positive, positive will happen. Think negative, I don't want to say. Life में हम वही कर रहे हैं. Think, start thinking positive, change your attitude and success will be yours. You will be unstoppable. So, thanks a lot for being a patient. आप इतने ध्यान से सुनते रहे and अगर life में आपकी life में कुछ भी value addition किया, I will be more than happy. Thank you very much, and clap for yourself because you will be amazing. थैंक यू सो मच सर. और यहाँ पर जो मैं बच्चों के लिए जो एनर्जी का वातावरण देख रहा हूँ, एनर्जी आपने बच्चों को दी है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जैसा कि सर ने आपको बताया कि आपकी लाइफ की कोई भी जो बड़ी चीज है वो छोटी छोटी चीज से शुरू होती है, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए. सर ने आपको एक स्टोरी भी सुनाई है, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई आपको, मैं भी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग सुन चुके हैं. एक्चुअली थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था, एक बच्ची थी वो नाइन्थ क्लास में, जब एट क्लास तक उसने हिंदी मीडियम में साइंस मैथ्स पढ़ा था. नाइन्थ क्लास में जब वो इंग्लिश मीडियम में साइंस मैथ्स आया तो उसको बहुत प्रॉब्लम आने लगी कि ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही. देन उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, उसके कुछ टीचर थे उन्होंने मोटिवेट भी किया उसको, उन्होंने उस लड़की को, तो उस लड़की ने क्या किया, अपनी ही लैंग्वेज में अपने जो फॉर्मूलाज थे, जो उसके लॉजिक्स थे, जो कंसेप्ट थे, उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया. एंड देन उसके सर ने एक दिन उसकी वो कॉपी या वो बुक पढ़ी, तो वो बुक इतनी ज़्यादा कॉपी इतनी ऑर्गेनाइज वे में लिखी हुई थी कि उसके सर ने उस बच्ची की उस राइटिंग्स को पब्लिश करवाया. और जो अभी रिसेंट वर्ड बुक पे लगा था दिल्ली में प्रैक्टिकल लैब में, वहाँ पर उसकी वो बुक पेश की गई है और वो बुक पब्लिश होकर बहुत अच्छे तरह से अब वो मतलब और लोग भी उस बच्ची की राइटिंग्स को पढ़ रहे हैं. तो उसने एक रियल किस्सा है जो मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. तो उस लड़की ने अपने फोबिया से ऊपर उठ के, डर से ऊपर उठ के, सिर्फ अपने लिए नहीं बाकी सबके लिए एक मिसाल कायम की. सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मिस्टर विजय भारद्वाज को, वो आज के हमारे जॉब केयर के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बताएंगे. एंड देन उसके बाद हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे. सर ताकि एमरजेंसी को मैसेज पहुंचा
इन चीजों का ध्यान रखिए, कुछ मैक्सिमम लोगों की चीजें क्लियर आज हो जाएगी, कुछ की धीरे धीरे होंगी। इसके बावजूद हम लोग सोशल साइट पे और वेबसाइट पे हर जगह अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने रिज्यूमे को हमारी वेबसाइट पर लोड करते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या जो भी आप सोशल पे सब पे हम आपको पोस्ट कर सकते हैं। और अभी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उसका थैंक यू पक्का, थैंक यू सर। तो आप मैं जितने भी बच्चे अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं अपने इंटरव्यू के लिए आज के इंटरव्यू के लिए सबको ऑल द बेस्ट कहता हूं। बड़ा पुराना शेयर मुझे याद आ रहा है, कहते हैं ना ऑल इज गोल्ड, तो कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, बाकी आपको तो पता ही है। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो गया, तो मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आप जिंदगी के लिए, आज का फेस करेंगे, शेयर समझने वाले समझ गए। पांच सात मिनट तो आप जैसे जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पाने के लिए जितने बच्चे हैं जिन्होंने आज इंटरव्यू में रजिस्टर करवाया, वो बच्चे सब यहाँ बैठे रहे, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे अपना अपने अपनी क्लासेस में जा सकते हैं। प्लीज बिना आवाज किए आप आराम से अपने अपनी क्लासेस में चले जाएं।